कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो सर्दियों का मौसम आ गया है और अब बन रहे हैं मज़ेदार से गर्मा गर्म से मीठे। आज मैं बना रही हूँ दाल की टुकड़ियाँ। ये बेसिकली दाल को आप लेते हैं और पिसवा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेलती नहीं थी तो मैंने बेसन ले लिया। 1 किलो मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये भी बता दूँ कि इसमें ड्राई फ्रूट जाएगा बहुत सारा। इसमें मैंने पिस्ता लिया है, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, काजू लिया है, रेजन्स लिए हैं, कोकोनट को उसका क्रश कर लिया। अच्छा, जो भी घर में आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं वो आप इसमें इस्तेमाल करें, जो आपको पसंद है, जो आप खाते हैं शौक से वो आप ले लें। अच्छा, 1 कप इसके अंदर जाएगा देसी घी। इसको अंदाजे से वैसे आप डालें आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कम या ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन बस 1 कप इसके अंदर जाता है। 2 से 3 स्वेद इलायची जाएगी इसके अंदर। 1 कप चीनी का मैंने पीस के रख लिया है। तो जी ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी इनके लिए। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले जो हमारा ड्राई फ्रूट था इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। बहुत पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसमें क्रंच आना चाहिए, तो इसको हम जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं और फिर अपनी चीज़ें हम बाकी स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखें ड्राई फ्रूट मैंने अपना ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ जी। तो ये देखिए चूल्हा मैंने अपना मीडियम हीट पे रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं अपना देसी घी डालती हूँ। एक कप देसी घी है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। साथ ही 3 सफ़ेद इलायची में डाल दूँगी, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। अब इसके साथ ही मैं अपना बेसन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। चूल्हा तेज़ नहीं रखना वरना ये जल जाएगा स्टार्ट में ही और फिर सारा आपको ये जो मीठा है ख़राब हो जाएगा। बाकी सब्जी भी मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। बस आपने इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा और लग सकता है, सारी आपकी मेहनत जाया जाएगी। बस इसी तरह आप इसको अच्छी तरह भूनते रहे। बेसन की निशानी यही है भूनने की, इसकी आपको बड़ी मज़े की डिफरेंस से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और ये घी जो है वो साइड पे हो जाएगा, छोड़ देगा। तो इसका मतलब होगा कि ये आपका अच्छी तरह आपने भून लिए। जी तो ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। अब ये घी ऐसे ऐसा अलग होना शुरू हो जाएगा। ये 15 से 20 मिनट तक आपने ऐसे ही इसको मीडियम हीट पे फ्राई करना है, भून दे। अच्छा खासा इसके टाइम और मेहनत एक्सरसाइज है आपकी, इसे एक्सरसाइज के लिए बनाना अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल ये देखिए साफ लगना आप छोड़ देगा। ये इसकी अब बड़ी प्यारी से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। बस 2 से 3 मिनट तक इसको मैं और इसी तरह भूनूंगी और बस फिर इसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। जी ये देखेंगे बिल्कुल कितनी ऊपर मज़ेदार सी शाइन आ गई है।
ये बबल्स बन गए, इसका मतलब ये बिल्कुल डन हो चुका है। खुशबू बहुत मजे की आ रही है, सही जिस तरह बेसन पक चुका है, भून चुका है। इसकी निशानी ही यही है कि इसकी आपको एक खुशबू, एक डिफरेंस स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमारा बिल्कुल बन चुका है। अच्छा, ये चीनी जो मैंने एक कप पीस के रखी थी, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी, और फिर इसको इसके साथ हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है दोबारा से, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, चीनी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो अपने हिसाब से डालें, जितना मीठा आपको पसंद है, वरना 1 कप इसके लिए, 1 किलो के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है, बहुत है जी। तो ये बाकी की चीनी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बिल्कुल हल्का रखें, नहीं तो ये जल जाएगा इस पॉइंट पे। यहाँ से बस चीनी डाल के 1 से 2 मिनट तक आपने इसको और भूने, और आपका हलवा तकरीबन रेडी है, क्योंकि पका तो पहले ही, बस चीनी इसके अंदर हमने मिक्स करनी है। अच्छा, साथ ही इसके अंदर मैं सारा ड्राई फ्रूट डालूंगी जी। तो ये सारा ड्राई फ्रूट था, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। सारे बादाम मैं थोड़े से मैं रखूंगी लास्ट में डालने के लिए, ऊपर से गार्निश के लिए। ये सारा काजू है और सारा अखरोट है, और इसके अंदर ही मैं कोकोनट और रेजन्स भी डाल दूंगी। ये पिस्ता था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैंने रेजन्स डाल देने, साफ करके रखे हुए थे। और साथ ही इसके मैं सारा कोकोनट डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैंने रखा है बिल्कुल गार्निश के लिए। अब इसको हमने हल्की आंच पे मिक्स कर लेना इसके अंदर, जी। बस इसको मैंने 1 मिनट तक, बस 40 से 50 सेकंड्स तक की तकरीबन, इसको मैंने चूल्हा ऑन रखा था ड्राई फ्रूट डाल के, उसको मैंने बंद कर दिया। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ किसी भी प्लेटर में स्ट्रेट, क्योंकि हमने इसकी बस फिर छोटी छोटी से टुकड़ियाँ से बनानी है। तो चलो इसको मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। तो ये देखें, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त है, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको आप किसी भी स्ट्रेट प्लेटर में ले लें, स्क्वायर में, जो भी आपके पास है, मेरे पास तो भी यही है। इसके अंदर आपने अच्छी तरह इसको फैला देना, जी। ये देखें, इस तरह मैंने डाल दिया। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल लेवल कर लेना, एक जैसा होना चाहिए, ताकि एक जैसे पीसीस हमारे निकल के आए, जैसे आपकी बर्फी की टुकड़ियाँ नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैसा बन जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया रेडी। इसके ऊपर बादाम जो है इस तरह स्प्रिंकल कर दूंगी मैं, ताकि इसकी हर एक पीस के साथ हमें अच्छी तरह ऊपर से मज़ेदार सा क्रंच भी आए, बादाम भी आए। अच्छा जी, ये काजू भी इस तरह हम डाल देते हैं। सर्दियों की सौगात है, ये ज़रूर बनाएं। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों के लिए स्पेशली हेल्दी भी है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी ज़बरदस्त है। सारा ड्राई फ्रूट है इसके अंदर, आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में स्पेशली ऐसी चीज़ें खाएं, एक तो सर्दी नहीं लगती, और वैसे भी शाम में चाय के साथ, सुबह नाश्ते में, किसी भी वक्त आप इसको खा सकते हैं जी। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी बेसन की कह लें, दाल की कह लें, टुकड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमने थोड़े से रेजन्स डाल देने इस तरह से, जी। साथ ही इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा कोकोनट स्प्रिंकल कर दूंगी। ये हो गया हमारा कोकोनट,
जी तो ये देखें, बिल्कुल ठंडी हो गई है हमारी ये दाल। अब हम इसे टुकड़ियां बनाते हैं, और टुकड़ियां बना के मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो इस तरह के जितना भी आपने साइज़ करना है उस साइज़ के आपने कट लगा लेने हैं इसके अंदर। पहले मैं ज़रा इसका वो कर लूँगी कि मैंने कितने साइज़ के बनाने ये रखे इस तरह से। जी तो एक साइड से मैंने लगा लिए हम इसके, मैं मुझे इतना सा साइज इसका ठीक लग रहा है। एक तो एक हाथ से वीडियो बनाना और कट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके कट्स लगा लेने हैं पहले। अच्छा, इसको तकरीबन मैंने ओवरनाइट रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर इस तरह पीसेस करने में आसानी होती है जी। ठीक है, देखिए जितने साइज के मुझे चाहिए थे मैंने इससे इनको पीसेस में कट कर लिया। अब आपको इनको मैं एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये बड़े नाजुक से मिजाज की हैं, तो इनको बड़े आराम से आप निकालेंगे। देखिए एक हाथ से निकालना मुश्किल है, एक और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जिस साइज़ का आपको पीस चाहिए होगा उस साइज़ का आपने बना लेना है। मुझे ये देखेंगे ज़बरदस्त सा, ये इस तरह से आपका एक टुकड़ी सी बन जाती है। और इस तरह आप इसको सर्व करें, खाएं, एंजॉय करें, बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त और इजी जी। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो बड़े आराम से जिस भी साइज़ की आपको उसका पीस चाहिए होगा उस साइज़ का आपने इसको बना लेना है। देखें जी, तो ये देखें, ये है हमारा फाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त, मज़े की, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन सिंपल रेसिपी है, मज़े की है। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, इंजॉय कीजिए और खाइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।